आजादी का अमृत महोत्सव और देश भर में धूमधाम से मनाया गया और उसका एक जो कहते हैं अंतिम कार्यक्रम के रूप में देश के हर घर से हर गांव से माटी एकत्रित की जा रही है और लगभग 30 करोड़ घरों से अमृत कलश यात्रा के माध्यम से मिट्टी इकट्ठी की जाएगी और ब्लॉक लेवल से होते हुए राज्य की राजधानी और फिर देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के पास एक अमृत वाटिका बनेगी और एक आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक यानी कि मेमोरियल बनेगा। इसी तरह से हर गांव में भी अमृत वाटिकाओं का 75 पेड़ लगाए जाएंगे, शिला फलकम स्कूलों में बनाए जाएंगे जहां पर शहीदों को वंदन और मिट्टी को नमन करना जाए। और मेरा माटी मेरा देश कहीं ना कहीं हमें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए, माँ भारती के उन वीर सपूतों को शहीदों को वंदन करने के लिए और मिट्टी को नमन करने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की है और मैं धन्यवादियों की शानदार शुरुआत यहाँ पर ये जो अमृत कलश यात्रा की है। रथ भी बहुत सुंदर बना है, बड़ा कलश भी रखा गया, छोटे छोटे कलश के माध्यम से जब मिट्टी इकट्ठी होगी तो इसके माध्यम से देश की राजधानी में लाया जाएगा। शहीदों को बात कर रहे हैं, शहीद हो गए, ऑपरेशन भी चल रहा है, किस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और शहादत को किस तरह से देखते हैं हमारे जवान? देखिए बहुत दुखद घटना भी है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा और ये जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से कांग्रेस की देन, पंडित नेहरू की देन, जिसके कारण 40,000 लोगों की अब तक वहां पर मृत्यु हुई, एक आतंकवाद का ऐसा जहर वहां पर घोला गया था सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा जो गुप्तचर होते थे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पिछले 9 सालों में हुई है, रिकॉर्ड आतंकवादियों को मारा भी गया है और इस आतंकवादी हमले की भी करारा जवाब दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे मौके पर भी राजनीति करते हैं और इन लोगों ने जो तीन परिवार वहां पर खेल खेलते रहे जिनके कारण कश्मीर का बहुत नुकसान कई वर्षों तक हुआ, मैं इतना ही कहूंगा भारत की सेना की वो ताकत है कि मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया है और अब